नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गुर्दे में पथरी बन गई है, या आपके यूरेटर में पथरी बन गई है, या आपके ब्लैडर में पथरी बन गई है, तो यह आज का जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए काम का साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि आपको किसी भी आपके आसपास अच्छे होम्योपैथी स्टोर पर मिल जाएगा, और यह आपके स्टोन को डिजोल्व करने के लिए काफ़ी हद तक असरदार है। दोस्तों, इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रैगवेग की R27। दोस्तों, जो R27 है, यह डॉक्टर रैगवेग जो कि एक जर्मन कंपनी है, उसका एक बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है, और इसके किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। किडनी स्टोन आपके चाहे कहीं पर भी हो, इसको काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा कि R27 को आप कैसे काम में ले सकते हैं, आपको इसको क्या क्या सिम्टम होते हैं जहाँ पे आप इसको काम में लिया जा सकता है, इसका कंपोजिशन क्या है, और इसका क्या MRP है, और ये कहाँ अवेलेबल होगा। इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज पूरी तरीके से एक बार आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, अगर आपको किडनी में स्टोन हो गया है, यानी अगर आपके गुर्दे में पथरी बन गई है, आपके यूरेटर में स्टोन बन गया है, या आपके ब्लैडर में स्टोन बन गया है, और उसके साथ साथ आपको आपकी बैक में पेन होता है, आपको और जो पेन होता है वो कमर के निचले हिस्से में पेन होता है, और वो पेन पीछे से होता है, आपके आगे की तरफ आता है, पेट के निचले हिस्से तक आता है, उसके साथ साथ आपको यूरिन करने में आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, यूरिन आपको बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन में आपको करने में दर्द हो रहा है, यूरिन करने के साथ आपको जलन हो रही है, यूरिन के साथ में आपको हो सकता है ब्लीडिंग भी हो, अगर ये सारे कुछ सिम्टम देखने को मिल रहा है तो हो सकता है दोस्तों आपको ये किडनी में स्टोन हो। और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी स्टोन को डिजोल्व करने के लिए होम्योपैथी का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है डॉक्टर रैगवेग का R27। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने जानकारी दी थी कि किडनी स्टोन आखिर क्या होते हैं, ये क्यों बनते हैं हमारी बॉडी में, और उसके साथ साथ इसका क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं कि आपको अगर किडनी स्टोन हो गया तो, और उसके साथ साथ इसका होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो कि काम में ली जा सकती है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका कि मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे गुर्दे होते हैं, गुर्दे जो होते हैं वो हमारे एक तरह से ब्लड को एक छानने का काम करता है, और हमारे जो बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, उसको हमारे बॉडी से यूरिन के रूप में वो शरीर से हमारे बाहर निकालता है। लेकिन जब कभी भी आप पानी कम पी पाते हैं, या और किसी कारण से आपके जब गुर्दों में आपको पथरी बनना शुरू हो जाती है या पथरियाँ बन जाती है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, आपको उसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है, यूरिन में जलन होती है, जो भी मैंने सिम्टम कुछ बताए थे वो सारी चीज़ें आपके साथ में होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बनी हुई है दोस्तों R27। अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, बिना ऑपरेशन के भी आप अपनी जो पथरी होती है उस पथरी को निकाल सकें। दोस्तों, अब हम अगर हम बात करें कि इसका क्या कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन सी कॉम्बिनेशन या मेडिसिन इसके अंदर इसके साथ में मिली हुई है, तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मिलेगी आपको एसिड नाइट्रिकम, बर्बेरिस वल्गेरिस, लैपिस रेनलिस, लाइकोपोडियम रूबिया, और इसके साथ साथ इसके अंदर है सारसापरिला। दोस्तों, जो बेसिकली जो मुख्य मुख्य मेडिसिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो एसिड नाइट्रिकम या जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड अगर है, तो वो आपके जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो स्टोन होते हैं उसको डिजोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। दोस्तों, जिस किसी के भी गुर्दे में या किडनी में स्टोन बन गया है, तो मेरे हिसाब से शायद सभी को पता होगा कि एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके किडनी स्टोन को डिजोल्व करने में, और उसके साथ साथ जो आपके पेट में दर्द होता है स्टोन की वजह से, आपके यूरिन में जलन होती है, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही जानी मानी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस। किडनी स्टोन को डिजोल्व करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है बिना बर्बेरिस वल्गेरिस के, जो कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन में है, इसके डली हुई है। नेक्स्ट जो एक और जो बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है वो है इसके अंदर लाइकोपोडियम। आपको अगर यूरिन करने में आपको दर्द होता है, यूरिन में आपको जलन होती है, इसके साथ साथ आपको यूरिन के साथ में आपको रेडिश एक कण जैसे निकलते हैं, यूरिन रेडिश सी आपको दिखती है, ऐसी सब कंडीशंस के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में एक और जो मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी इसके अंदर है कॉम्बिनेशन में, जो मुख्य मेडिसिन है वो है सरसापरिला। सरसापरिला भी अगर आपको बार बार यूरिन आता है, यूरिन की जो आपको फ्लो है वो फ्लो प्रॉपर नहीं आता है, आपको यूरिन करने में आपको परेशानी हो रही है, उसके साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं जो कि आपकी किडनी स्टोन के अंदर है, ग्रेवल्स है, अगर ऐसी कंडीशन है उसके साथ साथ आपको यूरिन में आपको तकलीफ़ हो रही है और आपको किडनी स्टोन की वजह से पेट में दर्द रहता है, आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार हो रही है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सारसापरिला जो कि इसके अंदर है।
दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य मुख्य मेडिसिन हैं और उनके रोल है जो कि इस मेडिसिन के अंदर आपको मिलेंगे। इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपको किडनी स्टोन है तो। दोस्तों ये तो बात होगी इसके कॉम्बिनेशन की, अब हम बात करते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है, किस तरह से आपको यूज़ करना होता है। दोस्तों इसको यूज़ करने का बड़ा ही आसान तरीका है, इसके लिए एक आप खाली कप लें, उस खाली कप के अंदर आपको इसको 15 बूंद इसकी R27 की डालें, उसके बाद में इसके ऊपर आप आधा कप गुनगुना पानी डालें उसके अंदर, ल्यूकवार्म वाटर, उसको पानी को इसमें डालें और उसके बाद में इसको अच्छे से हिलाएं कप को, अच्छे से धीरे धीरे हिला के उसको आपको जैसे आप चाय पीते वैसे धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना होता है। आप इसी तरह से आपको सुबह पिएँ, इसी तरह से आपको दोपहर में पिएँ, इसी तरह से आपको शाम को पिएँ, यानी दिन में 3 बार आपको 15-15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको सिप बाय सिप पीना है। दोस्तों यह तो हो गया इसका लेने का तरीका, अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या MRP है, किस पैकिंग में अवेलेबल है और ये कहाँ मिलेगी। दोस्तों इसका जो पैकिंग है वह 22 ml का 22 ml की एक ये बॉटल के अंदर आपको मिलेगा और उसके साथ साथ यह जो है यह 235 रुपये 235 का MRP का जो पैकेट है वो मेरे पास में अवेलेबल है, जो कि आपको आपके आसपास में कोई भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसकी पैकिंग तो पैकिंग भी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगी, या इस तरह से आपको कार्टन के अंदर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में इसको एक ड्रॉपर भी मिल जाएगा ताकि आप उसको बड़ी आसानी से आप उसको ले सकें। दोस्तों यह बात होगी R27 की। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको किडनी में स्टोन है या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी आपको स्टोन बन गया है तो उसके लिए एक बार आप अपने आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं एक बार उनसे ज़रूर सलाह लें, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन आपको मिलेगी जो कि आपको इसके साथ में देंगे तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब आपको किडनी स्टोन बनता है तो वो आपके गुर्दे में हो सकता है, आपके यूरेटर में हो सकता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है और वो लेफ्ट में या राइट में कहीं पर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी डॉक्टर आपके लिए कुछ मेडिसिन और आपको देंगे तो वो इसके साथ साथ जब आप लेते हैं तो और भी अच्छा काम करती है। जैसे कि इसमें बहुत सारी होम्योपैथी और मेडिसिन आती है, जैसे हाइड्रेंजिया है, परेरिया है, कैल्केरिया कार्ब है, टेबेकम है, इस तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि आपके सिम्टम को देखते हुए इसके साथ में आपको दी जाएगी तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते एक बार अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी R27 के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।